40,000 एप्लीकेशंस थी, 10+2 का प्रीमियम है, बैक क्वेश्चन 38 है ना, फिर से रिवाइज कर रही हूँ। एप्लीकेशन पे कितना था? 6 रुपए, उसमें प्रीमियम जुड़ा है 4+2, और अलॉटमेंट में बैलेंस, तो 10 रुपए वाला शेयर है, तो एप्लीकेशन का कितना है 4, तो अलॉटमेंट पे कितना बचा? 6 रुपए। कितने रिसीव्ड हो रहे हैं एप्लीकेशन? 50,000 के लिए। तो देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50,000 में से 40,000 ही क्या कर रहा है, अलॉट कर रहा है, और जो बैलेंस है उसको एडजस्ट कर रहा है। तो ये देखो 40,000 × 4 किया एप्लीकेशन, 40,000 × 2 किया सिक्योरिटी प्रीमियम, और 10,000 × 6 को एडजस्टमेंट में अलॉट कर दिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक शेयर होल्डर है जिसको 8,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, उन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, मतलब फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। आगे देखो इसमें, और देयरफॉर हिज शेयर्स आर फोरफीटेड, इसको फोरफीट कर दिया। तो देखो इसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, कैसे निकालेंगे अप्लाई का, कौन फॉर्मूला बता रहा है मेरे को, बताओ बताओ कैसे निकालते हैं शेयर्स अप्लाइड और अलॉटेड वाला? क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर होल्डर अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर। आप कहाँ फॉरफीटेड का बता रही हूँ, मैं यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की बात कर रही हूँ। इधर देखो अलॉटेड और अप्लाई वाला फॉर्मूला बताई हूँ ना मैं आप लोगों को, कि 40,000 शेयर्स अलॉट कर रहा है कितनों को, जिन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया था, तो इसको 8,000 अलॉट हुए हैं, तो देखो इसका ना एक फॉर्मूला बता देती हूँ आज आप लोग। टोटल अप्लाइड शेयर्स करना अपॉन टोटल अलॉटेड शेयर्स, इनटू नंबर ऑफ एक्चुअल शेयर्स अलॉटेड। कुछ समझ में आ रहा है फॉर्मूले में मैंने क्या किया है? ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना पता? जब क्वेश्चन में आपको शेयर्स अलॉटेड दिया हो, व्हेन शेयर्स अलॉटेड गिवन, तब इस सिचुएशन में इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा, शेयर्स अप्लाइड निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमको शेयर्स अप्लाइड दिया है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को उल्टा कर देना, व्हेन शेयर्स अप्लाइड गिवन हो, कि कितने के लिए प्रार्थी था और आवंटन कितने के लिए किया, तो इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना। जब शेयर्स अप्लाइड दिया हो और शेयर्स अलॉटेड निकालना हो, शेयर्स अलॉटेड मींस व्हाट, आवंटित अंशों की संख्या निकालना हो, है ना, आवंटित अंश ज्ञात करना हो, इसमें क्या निकालना होगा, इसमें आवंटित दिए हैं, इसमें क्या निकालना है, प्रार्थी निकालना है, कि कितने के लिए, कितने अंशों का प्रार्थी था। आ रहा है समझ में मैं क्या बता रही हूँ? Yes, ma'am. तो इसका फॉर्मूला लिख लो अगर आप लोग को कंफ्यूजन होता है। तो जब शेयर्स अप्लाइड दिया हो तो जस्ट अपोजिट कर देना, देखो जब अलॉटेड दिया हो तो अलॉटेड नीचे लिखते हैं, और जब अप्लाइड दिया है तो ये फॉर्मूला जस्ट अपोजिट, टोटल अलॉटेड शेयर्स कर देना अपॉन टोटल अप्लाइड शेयर्स, इनटू किससे करेंगे, जितने का फॉरफीट हो रहा है ना, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, ये लिख लो फॉर्मूले दो, तो कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 8,000 अंश इसको क्या किए गए थे, आवंटित किए गए थे, यानी हमको क्या निकालना है इसका, कि कितने अंशों का प्रार्थी था, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल इसने कितने शेयर से अप्लाई किए थे, 50,000, मिले कितने थे इसको, 40,000, और मतलब 50 वालों को कितने दिए गए, 40, तो इसको कितने दिए गए,
8,000। तो बताओ इसने कितने के लिए अप्लाई किया था? 10,000। आ रहा है समझ में सबको? यस मैम। तो लिख लिया फॉर्मूला सबने। देखो अगर इसने 10,000 के लिए अप्लाई किया था तो इसने एप्लीकेशन के टाइम पे देखो कितना अमाउंट पे किया होगा, 10,000 × 6 मतलब 60,000। लेकिन इसका देखो एप्लीकेशन के टाइम पे बनता कितना है, 8,000 के हिसाब से इसका बनता कितना है, 48। यानी इसका जो 12,000 बचा था ये कहाँ गया था, अलॉटमेंट में गया था, एडजस्ट किया था, एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट कितना इसका 12,000। तो इसने टोटल कितना पे नहीं किया, टोटल अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, देखो अलॉटमेंट में इसको 6 रुपए पे करना था अपने 8,000 शेयर्स के हिसाब से, तो 8,648। और इसने दिया कितना था, एडजस्ट कितना करवाया था अलॉटमेंट पे, 12,000। तो सोचो इसने कितना पे नहीं किया है, 36,000 नॉट रिसीव्ड। ये फॉर्मूला रफ करूं? यस मैम। लिख लिए मैम। चलो ये जो वर्किंग नोट लिखी है इसको नोट करो जल्दी से, किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। नहीं है डाउट मैम। आगे बढ़ते हैं मैम। ठीक है नेक्स्ट देखो। तो देखो ये तो निकल गया इसका, ठीक है चलो फर्स्ट एंट्री करेंगे अपन। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है देखो शेयर एप्लीकेशन में कितना मिल रहा है हमको, ओवरऑल 50,000 शेयर्स पे कितना मिल रहा है, 6 के हिसाब से 3,00,000 मिल रहा है। Yes, फिर एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये इक्विटी है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। तो देखो 3,00,000 मिले थे, शेयर कैपिटल में कितना डालूंगी, ये वाला 1,60,000, ठीक। प्रीमियम में कितना डालूंगी, 80,000, और जो एडजस्ट किया अलॉटमेंट में उस पर 60,000। बस इसी एंट्री में थोड़ा सा डाउट होगा किसी को, है ना। आ रहा है समझ में एंट्री कैसे होगी? मैं एक बार और बता। ये देखो बेटा ये बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन किया, क्योंकि कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली थी हमको, 50,000 शेयर्स की। ये देखो हाईलाइट कर रही हूँ, है ना, ये देखो। तो देखो ये बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन कितने शेयर्स का मिला था हमको, 50,000 शेयर्स का, इनटू 6 के हिसाब से, 6 में मतलब 4+2 था, ठीक। तो जो शेयर एप्लीकेशन में पैसे आए कितने, 3,00,000 रुपए, उसको हमने शेयर कैपिटल में डाले। तो देखो ये जो शेयर कैपिटल में हमने डाला वो हमने 40,000 शेयर के हिसाब से 4 रुपए के हिसाब से डाला, और ये देखो प्रीमियम वाला जस्ट नीचे 40,000 × 2, ठीक। और जो बचा हुआ है उसको कहाँ डाल दिया हमने, अलॉटमेंट में, कितने का एक्स्ट्रा जो मिला था, ये देखो 60,000, 10,000 × 6। आया समझ में? देखो यस मैम।
ये वाला जो मैं करवाती हूँ ना आपको, ये वाला जो ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला हमेशा देखो काम आता है, जो मैंने इसमें एडजस्टमेंट करवाया है आप लोगों को। इसी के बेस पे ना मैं शेयर एप्लीकेशन की एंट्री करती हूँ हर बार। ठीक, अब किसकी एंट्री करेंगे अपन? शेयर अलॉटमेंट की। करूँ एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री? यस मैम। ठीक है, अब मैं ये रफ कर रही हूँ यहाँ पे। बैंक शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 6 हो जाएगा 2,40,000। अब फोर्थ एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो इसमें मिलना कितना था, 2,40,000। माइनस करेंगे कौन सा, ये वाला 60,000, ये वाला है ना, ये देखो जो शेयर अलॉटमेंट से मिला था 60,000 वो माइनस करेंगे। प्लस क्या माइनस करेंगे, ये ऊपर देखो हाईलाइट कर रही हूँ पिंक वाले पिंक पेन से, देखो टोटल अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, कितना इसमें पे नहीं किया अलॉटमेंट में, देखो अमाउंट क्या निकाला है नॉट रिसीव्ड में, देखो 36,000। तो ये माइनस 36,000, तो बताओ कितना आया, 2,40,000 में से 60,000 में से 36 गया तो 1,44,000। समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो फॉरफीट कर रहा है शेयर्स अलॉटमेंट के बाद, है ना, शेयर्स फॉरफीट कर रहा है किसके बाद, अलॉटमेंट के बाद। तो रफ कर रही हूं मैं यहाँ पे, फॉरफीचर की एंट्री बनाएंगे अपन। क्या एंट्री बनती है फोर फीचर की, देखो इक्विटी शेयर, ये देखो फोर फीचर की एंट्री कर रही हूँ बेटा, लिख रही हूँ हाँ इधर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू शेयर, ये इक्विटी शेयर ना यहाँ पे, अलॉटमेंट अकाउंट। देखो शेयर्स फोरफीट कर रहा है अलॉटमेंट के बाद कर रहा है, और अलॉटमेंट तक देखो पूरा का पूरा 10 रुपए मंगा लिया गया है, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम का अमाउंट हमको मिल चुका था, तो शेयर कितने का था 10 रुपए का, तो शेयर कैपिटल में कितने जाएगा, 8,000 शेयर से 10 रुपए के हिसाब से जाएगा। ठीक, फोर फीचर में कितना जाएगा, जिसने इसने जितना पे किया था, तो देखो मैंने यहाँ पे रफ कर दिया है, वैसे मैंने कितना निकाला था इसका, 10,000 के शेयर के हिसाब से इसने 6 रुपए पे किए थे ना, 60,000 रुपए, तो इसका देखो एप्लीकेशन में डाली थी मैं 8,000 × 6, 8,000 × 4 कितना होगा, 32,000। ठीक है, और इसका अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना हुआ था, ये वाला 12,000, ये देखो ये एप्लीकेशन का। ठीक, फिर इसका अलॉटमेंट का 8,000 × 6 कितना पे नहीं किया था इसने, उसमें 48 में से 12 पे नहीं किया, 12 पे किया था, तो इसका 36,000, ये हो गया इसका अलॉटमेंट। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. और इसका ये जो प्रीमियम वाला था इतना 16,000, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, याद रखना हम प्रीमियम की एंट्री नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देखो ये इसका 60,000 टोटल मिला था।
ठीक है, लेकिन जब हम फोरफीट अकाउंट में शो करेंगे तो फोरफीचर में हम प्रीमियम वाली एंट्री शो नहीं करते हैं, प्रीमियम अमाउंट विल नॉट बी शोन। पता है कि नहीं पता है? स्टार्टिंग में ही बताई थी ना मैं ये। तो देखो इसने 8000 शेयर्स के हिसाब से ₹4 कहाँ पे किए थे? एप्लीकेशन के टाइम पे कितना? 32 प्लस ये इसने इसका जो एडजस्ट हुआ था अलॉटमेंट में कितना अलॉट हुआ था? 12000। तो प्लस 12000 तो 32 और 12 कितना हुआ? 44000। तो शेयर फॉरफीचर में जाएगा 44000। आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. और अलॉटमेंट में इसने कितना पे नहीं किया है? ये वाला 36000। तो टोटल कितना हुआ? ये हो गया 80000। प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी, ये याद रखना, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है। ये वर्किंग नोट आप लोग लिख लो कहीं पे, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट ऑफ प्रीमियम, कौन सा? फॉरफीचर अकाउंट। फॉर फ्यूचर की एंट्री के लिए ये वर्किंग नोट है, लिख लो। अंश हरण की लागत की गणना करके लिख लो। मैम अमाउंट जहाँ पे 36000 अलॉटमेंट का है वहां पे एक बार और समझाइए, इसका डाउट है ये मेरा। मैम रिया देखो बेटा कहाँ पे बोल रही हो? एक सेकंड, ये जो पिंक से हाईलाइट की वहां बोल रही हो? नो मैम, ये अभी जो बताया ना फोर फीचर के बाद। अच्छा, फीचर एंट्री ये वाला 36000 पूछ रही हो? कैसे कैसे मल्टीप्लाई किए? एक सेकंड बेटा, ये वाला बोल रही हो ना, जिसको देखो ब्रैकेट में डाल रही हूँ मैं, बॉक्स में, ये वाला बोल रही हूँ जिसको मैं देखो हाईलाइट कर रही हूँ। यस मैम। हाँ देखो इसकी कैलकुलेशन देखो यही की है ना, ये देखो पिंक से जो पहले हाईलाइट किया था, ये देखो 8000 × 6 किया था अलॉटमेंट में, ये देखो 8000 × 6 उसको देना था, 48000 देना था अलॉटमेंट में, ये देखो। फिर इसका एडजस्ट कितना था अलॉटमेंट का? 12000 था, तो 48 में है ना, तो कितना बचा था इसमें? ये देखो माइनस 36000। हाँ ये वही है अमाउंट है ना। यस मैम, 26 नहीं होना चाहिए, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि अलॉटमेंट में 6 रुपए के हिसाब से। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, ऐसे लिखना इसको 8000 × 6 माइनस 12000, तो ये आ गया आपका 36। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब रीइशू की एंट्री करें। यस मैम। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रही हूँ, चलो रीइशू कितने शेयर्स को कर रहा है? पूरे शेयर्स को कर रहा है। कितने रुपए में कर रहा है? बैंक अकाउंट बताओ 70000 रुपए में फुल्ली पेड अप, मतलब 8000 शेयर्स को अगर 10 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो कितना होना चाहिए? 80000। लेकिन ये फुल्ली पेड अप कर रहा है, मतलब कितने में कर रहा है? देखो 70000 में, तो इसने 10000 क्या किया? डिस्काउंट दिया। तो रीइशू के टाइम पे जब डिस्काउंट दिया जाता है तो वो किस में से जाता है? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। आ रहा है समझ में? यस मैम। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर कैपिटल कितने का है? 10 रुपए का है, तो 10 का ही शेयर से जाएगा. कितना? 80,000. ये बैंक अकाउंट में 70,000 फुल्ली पेड अप किया है, तो ये 10,000 आएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से. तो जो लास्ट सेवेंथ एंट्री बनती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. देखो कैपिटल रिजर्व में कुछ कैलकुलेशन नहीं आएगा, क्योंकि 8,000 ही फॉरफिट किया था और पूरा का पूरा 8,000 ही री इशू कर दिया. तो ये देखो फॉरफीचर में कितना डिपॉजिट था? 44. यूज कितना किया है उसमें से? 10,000. तो कितना बचा? 44 में से 10 गया तो 34. ठीक है, एंट्री समझ में आई? यस मैम. देखो क्वेश्चन 48 में ही देखो, उसमें ही अच्छा क्वेश्चन है. देखो ए लिमिटेड कंपनी कितना शेयर्स ऑफर कर रही है? देखो 10,000 शेयर्स अलॉट कर रही है. कितने रुपए वाला है? देखो 10 रुपए वाला है टू द पब्लिक. अब देखो एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव्ड हो रही है? 20,500 के लिए. देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है. 10,000 शेयर्स के लिए हमने ऑफर किया है, लेकिन हमको मिल कितना रहा है? 20,500 मिल रहा है. देखो फिर कितना मिल रहा है? देखो 1,500 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, इस पे क्या लिखा है? कोई अलॉटमेंट नहीं दे रहा है. 15 के लिए जो भी आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं उनके लिए कोई आवंटन नहीं है. फिर नेक्स्ट देखो 5,000 के लिए जिसने अप्लाई किया है उसको पूरा का पूरा फुल, मतलब कितना दिया उनको? 5,000. नेक्स्ट देखो जिन्होंने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको कितना दे रहा है? 50%. तो 6,000 का 50% कितना हुआ? 3,000. ठीक. फिर नेक्स्ट नीचे देखो जिन्होंने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको कितना मिल रहा है? 25%. आ रहा है समझ में? तो 8,000 का 25% होता है 2,000. अब टोटल करो. देखो ये देखो टोटल किया तो ये 5, 3, 8 और ये 2 हो गया 10,000. तो ये देखो शेयर्स अलॉट हुए. अब देखो 1,500 ये कितना हो गया टोटल करो? 20,500. तो ये रेशियो समझ में आया कि 20,000 वालों को 10,000 कैसे दिया? यस मैम. अब देखो जो क्या बोलते हैं, द सरप्लस एप्लीकेशन मनी इज टू बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड कॉल. अतिरिक्त रकम आवंटन तथा याचना के लिए समायोजित की गई. जिन्हें अंश बिल्कुल नहीं दिए थे उन्हें उनकी आवेदन राशि लौटाई गई. एप्लीकेशन रिटर्न टू होम दोज नो शेयर्स वर अलॉटेड. अब देखो इनको तो कोई नहीं मिला नो शेयर्स, तो इनको पूरा का पूरा क्या मिलेगा? रिफंड. और इनका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो क्या करेगा? एडजस्ट कर रहा है इसमें अलॉटमेंट और कॉल पे. तो देखो एप्लीकेशन पे कितना रुपए मिल रहा है कंपनी को? 2 रुपए. अलॉटमेंट पे कितना मिल रहा है? 3 रुपए. और कॉल पे कितना मिल रहा है? देखो 5 रुपए. तो 2, 3, 5 और 5 हो गया 10. अब यहाँ का करते हैं. देखो इस पे फर्स्ट वाले पे जिनको 1,500 शेयर वालों को कुछ भी नहीं दिया, इट मीन्स इनसे कितना पैसा आया होगा हमको? 1,500 × 2 के हिसाब से 3,000. तो ये 3,000 पूरा का पूरा क्या हो गया? रिफंड. तो ये टू बैंक अकाउंट से वापस जाएगा. नेक्स्ट देखो इसमें 5,000 शेयर वालों को पूरा कितना दिया? 5,000. तो इनका जो 10,000 है ये पूरा का पूरा किस में जाएगा? एप्लीकेशन. मतलब एप्लीकेशन वाली एंट्री कहाँ जाएगी? टू शेयर कैपिटल में. आ रहे समझ में मैं क्या कर रही हूँ? yes. सबको? साक्षी, रिया, प्रिया, उषा, बताओ बेटा. yes, कहीं डाउट है तो तुरंत पूछना है ना. नेक्स्ट देखो ये जो 6,000 शेयर्स हैं इसमें कितना मिल रहा है 2 के हिसाब से? 12,000. ठीक. अब देखो इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 3,000 के लिए किया था.
तो 3000 इंटू दो, तो ये 6000 जाएगा इनका एप्लीकेशन के कैपिटल में। कितना बचा इनका बाकी? 6000, 6000 बचा। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? अलॉटमेंट में। आ रहा है समझ में? यस मैम, नेक्स्ट यस मैम। देखो, फिर ये 8000 के लिए अप्लाई किया था, इंटू दो के हिसाब से कितना हो गया इसका? 16000। देखो इसको दिया कितना? 2000 इंटू दो के हिसाब से, यानी इसका यूज हुआ सिर्फ 4 एप्लीकेशन के कैपिटल में। अब लॉजिक देखो बेटा, क्वेश्चन में आपको दिया है ना कि जो एप्लीकेशन की मनी है वो कहाँ कहाँ यूज हुई, अलॉटमेंट में भी और कॉल मनी में भी लिखा है ना, वो क्यों लिखा है? देखो इसने सिर्फ कितने के दिए गए इसको? 2000। तो अगर मैं इसका अलॉटमेंट का कैलकुलेट करूंगी इंटू 3 के हिसाब से कितना आया? 6000। फिर भी देखो इसका पैसा बच रहा है, 4 इधर यूज हुआ, 6 इधर यूज हुआ, 10, 6000 और बच गया इसका। तो इसका फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था? 2000 इंटू 5 कितना आएगा? 10, 10,000 है ना। तो इसका एक्स्ट्रा भी बच कितना रहा है? 6000 इधर चले गया, 4000 इधर, तो 16 में से 10 गया, तो 6000 इधर माइनस कर दूंगी। तो इसका ये 6000 कहाँ एडजस्ट हुआ? फर्स्ट कॉल में।